भाई आज ये क्या अभियान चलाया भाई? आज SFI छात्र संगठन द्वारा सिग्नेचर कैंप चलाया हुआ है गवर्नमेंट PG कॉलेज के गेट पर, जो कि विद्यार्थियों की बसों की समस्या आ रही है जब से नया बस स्टैंड बना हुआ है। 8 तारीख को विद्यार्थियों ने भारी गुस्से के अंदर आंदोलन किया था और नए बस स्टैंड का गेट बंद किया था। उसके विरोध में प्रशासन ने विद्यार्थियों की मांगों को न मानकर विद्यार्थियों पर झूठे केस दर्ज किए गए। फिर 9 तारीख को पूरे जींद के विद्यार्थियों ने धरना दिया DC कार्यालय के अंदर और लगातार मांग पत्र कॉलेज प्रिंसिपल माध्यमों के माध्यम से DC को भेजे गए। और 12 तारीख को एक विशाल प्रदर्शन किया गया जिसमें कि DC साहब ने कहा कि हम GM से मीटिंग करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई मीटिंग की डेट नहीं है। हमारी मांग है कि जो लोकल रूट बसें हैं वे सीधी नए बस स्टैंड पर जाती है। शिक्षण संस्थान पर विद्यार्थियों को आने पर समस्याएं हो रही हैं, वे डेली 5-6 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं, हालांकि उनके बस पास से कॉलेज से लेकर गांव तक बने हुए हैं। ऑटो का किराया देना पड़ता है और क्लासेस लेट हो रही है लगातार, और लड़कियों की तर्ज पर लड़कों का बस पास फ्री हो, सिटी बसों में बस पास लागू हो और अन्य तमाम लेकर, ये पूरे जींद में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में 25 तारीख को बसों की समस्याओं को लेकर हड़ताल की जाएगी। किस प्रकार की समस्या है? समस्या तो बहुत घनी है जी। सुबह सुबह जैसे कि हर रोज जाते हैं तो नए बस स्टैंड पर उतरना पड़ता है और वहाँ से फिर ऑटो वगैरह लेके कॉलेज के लिए आना पड़ता है, या फिर पैदल आते बहुत समय लग जाता है और क्लासेस भी लेट हो जाती, गर्मी भी बहुत है, थक जाते हैं, फिर क्लास में आने के बाद नींद आने लग जाती है। पानी रास्ते में ऐसे पीने का पानी की भी कोई सुविधा नहीं अच्छी सी, तो प्यास भी बहुत लग जाती है गर्मी में, लड़कियां बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, और जो बॉयज़ हैं उनका बस पास फ्री हो, इस तरह की हमारी मांगे हैं।